हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा सब दा साडे चैनल के स्टडी पॉइंट दे विच। लैके हाजिर हां दोस्तों, 8वीं जमात वालिआं दे लई मैथ दा पेपर फुल्ली सॉल्वड पेपर होण वाला है। अंग्रेजी अते पंजाबी मीडियम दे विच दोनों आपां तुहानूं फुल्ली सॉल्वड पेपर करावांगे। ते दोस्तों, तुसीं वीडियो दे लास्ट तक बने रहना, तां ही तुहानूं चंगी तरह पेपर याद होवेगा ते तुसीं वधिया तों वधिया ज़्यादा तों ज़्यादा अंक प्राप्त करोगे। ते दोस्तों, सब तों पहलां तुसीं देख लो, इह वाला सैंपल पेपर है, तुसीं देख सकदे हो। इस तरह तुहाडा पेपर आ सकदा है, तुहानूं जिहड़ा कि आंसर वाला एक होर असी ने जिहड़ा कि पेपर सॉल्व किया है वह तुहानूं दिखावांगे लास्ट ते। तो दोस्तों, पहलां तां फिलहाल तुसीं इह वाला जिहड़ा क्वेश्चन पेपर है तुसीं वेख लो। तो दोस्तों, इसनूं भी तुसीं जरूर याद कर लेना ताकि कोई भी पेपर तुहाडा आ सकता, तीन चार पेपर तुहानूं सैंपल पेपर आपां दिखावांगे। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहना, तां ही तुहानूं चंगे नंबर प्राप्त होणगे। तुसीं वेख सकदे हो दोस्तों, इस तरह का पेपर होगा, तुसीं इहनूं जरूर चंगी तरह याद कर लेना ते इसनूं एक बार तुसीं सॉल्व करके देख लेना किवें किहड़े किहड़े क्वेश्चन चंगी तरह आणगे। तो दोस्तों, इस तरह तुहाडा पेपर होण वाला है। तो दोस्तों, भाग सस्सा जो अगे हरेक प्रश्न 6 अंक का है, तुसीं वेख सकदे हो इस तरह का प्रश्न पत्र तुहाडा हो जाएगा। तो दोस्तों, तुसीं वेख सकदे हो। तो हाँ जी दोस्तों, इंग्लिश मीडियम दे विच इस प्रकार तुहाडा पेपर हो जाएगा। तुसीं इंग्लिश मीडियम वाले दे लई इस प्रकार तुसीं पेपर याद कर सकदे हो। तो दोस्तों, जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवें आ ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह के पेपर तुहानूं साडे चैनल ते मिलते रहिंदे हन। तो दोस्तों, हर एक पेपर साडे चैनल ते अपलोड किया जाता है, इसलिए तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, अगे फिलिंग द ब्लैंक्स आ जूगी तुहाडी खाली थावां। तो दोस्तों, अगे देख सकदे हो पार्ट सी आ जूगा, तुसीं कर लेना है पूरा। तो यह तीजा पेज है जिहड़ा आ जाता है, तुसीं वेख सकदे हो जे देख। तो दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी वधा लेना जेकर तुहानूं चंगी तरह दिखाई नहीं दिंदा। तो दोस्तों, तुसीं वेख सकदे हो। तो दोस्तों, हुण तुहानूं दिखाने जिहड़ा असी ने सोल्व किया होया क्वेश्चन पेपर, सानूं लगता है कि ये आ सकता है। तो हाँ जी दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पेपर जो कि सानूं लगता है ये आ सकता है, वह सोल्व करके लेके हाजिर होए हैं। तो दोस्तों, तुसीं वेख सकदे हो, ये इस तरह का पेपर होगा तुहाडा। सब तो पहला तुसीं देख सकदे हो, तीन घंटे कि तुहाडा समा होगा ते 80 नंबर का पेपर होगा। भाग उड़ा जो सब तो पहला बहु विकल्पी प्रश्न है, यानी कि माइनस जो कि तुहाडे ऑप्शनल ये क्वेश्चन होणगे, यानी कि सब तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा -5/13 का जोड़ात्मक उल्ट है। दोस्तों, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जूगा, यानी कि 5/13। हाँ जी, इसका ये आंसर आ जो। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर की होगा दोस्तों, तुसीं वेख सकते हो, परिमेय संख्या विच कर्म वटांदरा का गुण। हाँ जी, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा तुहाडा, ब्रैकेट दे विच आ जूगा तुहाडा 5/3 ते ब्रैकेट दी 4 का मुल की होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जूगा, तुसीं वेख लेना है, ये 5/12 जिहड़ा आंसर तुहाडा आ जाएगा। 5/12 जी 12 आ जूगी, तुहाडा आंसर बी ऑप्शन इस दे लई आंसर हो जाएगा। तो हाँ जी दोस्तों, अगे आ जाओ, तुहाडा क्वेश्चन नंबर 4, तो 3/2 + 4/2 = 0 का मुल की होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाओ दोस्तों 1। तो अगे आ जाओ दोस्तों, 3x - 6 = की होगा -11 समीकरण लई इन्हां विचों किहड़ा हल है। हाँ जी दोस्तों, एक्स की पावर की होगी दोस्तों, तुसीं देख सकते हो एक्स की वैल्यू जिहड़ी की होगी -7, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगे आ जाओ तुहाडा क्वेश्चन नंबर 6, 14 साल बाद मैं अपनी 4 साल पहला दी उम्र का 4 गुणा होवांगा, वर्तमान उम्र की है। हाँ जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का सानू हजे तक हल पूरा कन्फर्म नहीं होया है। जेकर तुहानूं इसका क्वेश्चन का हल पता है तो तुसीं कमेंट बॉक्स के विच इसका हल लिख सकते हो, तो असी उस कमेंट नूं पिन कर देवांगे। तो अगे आ जाओ तुहाडा क्वेश्चन नंबर 7, जेकर 3/4x - 1 ते बराबर 3/7 का एक्स का मुल पता करो। हाँ जी दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो अगे दोस्तों आ जाएगा 625 कि संख्या वंडे जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। दोस्तों, इस दे लई आंसर हो जाएगा 5, तो 1/1.6 × 10^4 का साधारण रूप किहड़ा है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन, यानी कि 1,60,000। तो अगे आ जूगा, जेकर 1 समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का कोण ए = 60° है, तो इस दे सन्मुख कोण सी का माप है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी।
तो अगे आ जाओ एक चतुर्भुज के अंदरूनी कोणा का जोड़ कि होंगे है दोस्तों, जो कि चतुर्भुज के अंदरूनी कोणा जोड़ 360 डिग्री होंगे है, इसलिए सी ऑप्शन आ जाएगा 360 डिग्री। तो हाँ जी दोस्तों, अगे आए तो क्वेश्चन नंबर 11 केड़े चतुर 12 क्वेश्चन नंबर आ जाऊगा तुहाड़ा, केड़े चतुर्भुज के सारे कोण समकोण होंगे हैं, इस दिया सारी भुजावां बराबर होंदिया हैं अते विकर्ण एक दूजे ने समभुजित करते हैं, इसके उत्तर आ जाओ दोस्तों बी ऑप्शन सम चतुर्भुज, चतुर्भुज जिहड़ा आंसर इसका राइट आंसर हो जाऊगा। तो इन्हां विच केड़ा पूर्ण कर्ण नहीं है दोस्तों, आंसर की होगा 108। तो अगे आ जाऊगा 80 की पावर 2 81 की पावर 2 संख्यावां दे जोड़े दे विचकार किन्नियां गैर वर्ग संख्यावां हन दोस्तों, आंसर की होगा बी ऑप्शन 160। 3 अंकों का सब तो छोटा पूर्ण वर्ग है 100। तो मिलान चिन्ह की वरतों निम्न वचों की किस लिए की जाती है, उत्तर हो जाए दोस्तों बारंबारता। तो खाली स्थान भरने दोस्तों तुसी देख सकते हो, पहले का की होगा तुसी वेख लेना दोस्तों, इसका आंसर सानू नहीं लभ्या, तो तुसी खाली थान लिख के इसका आंसर टाइप जरूर कर देना, आप पिन कर दें उस कमेंट में। तो दोस्तों अगे आ जाओ समीकरण 3x-4=1 तो -2x का हल है दोस्तों, एक्स की होगा एक्स की पावर 1 है। तो दोस्तों अगे आ जाऊगा 13 का घन डैश होगा, यानी कि 13 का घन 1197 होगा। तो अगे आ जाऊगा तुहाडा 1 वर्ग सम चतुर्भुज है जिसके कोणा का माप 360 डिग्री है, वर्ग अंतराल 26-33 की डैश है, यानी कि इसका आंसर सानू नहीं लभ्या दोस्तों अजे तक। तो अगे तुसी देख सकते हो 6वां क्वेश्चन, 150 के वर्ग विच 2 सिफर होणगियां, हाँ जी दोस्तों 2 सिफर जिहड़ियां होणगियां, जेकर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है तो इसके घन का इकाई का अंक 16 होगा। तो दोस्तों अगे तुसी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 सही गलत कथन चुनो दोस्तों, -5 का गुणात्मक उल्ट 5 है, यह दोस्तों उत्तर आ जाऊगा सही। तो अगे आ जाओ समीकरण 4x+7=23 का हल, एक्स बराबर 4 है, यानी कि एक्स की वैल्यू की होगी 4, यह दोस्तों गलत है दोस्तों, इसलिए आंसर की हो जाओ गलत। तो अगे आ जाऊगा 54 के वर्ग में 21 स्थान पर 6 होगा, उत्तर हो जाओ दोस्तों सही, हरेक वर्ग एक आयत भी होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो पाई चार्ट विच सारे केंद्रीय गुणा का जोड़ 360 डिग्री है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो 9.61 का वर्गमूल 3.1 है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो अगे तुसी देख सकते 1001 पूर्ण घन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। तो भाग आला आ जाऊ दोस्तों 2 अंकों वाले सवाल, यानी कि ये 2 अंकों वाले क्वेश्चन हो जाएंगे थोड़े, तुसी वेख सकते हो इन्हों क्वेश्चनों किमें करने हैं, जेकर तुसी इन्हों क्वेश्चन के आंसर चाहते हो तो लेके आइए भी असी, तो तुसी इस वीडियो तो सिर्फ 200 लाइक पूरे कराने हैं ताकि अगे तुहानू पेपर जिहड़ा मिल जाए। तो दोस्तों तुसी इस चैनल में सबसक्राइब कर लेना, जो भी आप इस पेपर का सॉल्व पेपर पाइए तो तुहाडे तक पहुँच जाए। तो दोस्तों अगे तुसी देख सकते हो भाग एड़ी हो जाएगा 4 अंकों वाले सवाल, तो दोस्तों ये तुम वेख सकते हो 4 अंकों वाले सवाल किस प्रकार हो जाएंगे। तो भाग सस्ता जो 6 अंकों वाले सवालों का तुम वेख सकते हो जाब की ऑप्शन इस विच दिती हुई है, तो तुम कर सकते हो। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन के आंसर तुहानू आपां अगली वीडियो में जिहड़ा कि प्रोवाइड करावे, तो इसलिए तुम साडे चैनल सबसक्राइब जरूर कर सकते हो, या फिर जेकर नहीं अपलोड किया जाता तो इस चैनल पर तो तुहानू टैलीग्राम चैनल पर मिल जाऊगा। तो दोस्तों इस तरह तुहाडा क्वेश्चन पेपर पूरा हल हो चुका है, जेकर तुसी होर भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहते हो तो लेके आइए असी, तो तुसी कमेंट कर सकते हो वध तो वध। तो दोस्तों साडे चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना, वीडियो देखने लिए धन्यवाद, आप मिलते हैं अगली वीडियो।